हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे क्लास सेवेंथ इंग्लिश का चैप्टर सेकंड में जो पोयम हमें आगे दी हुई है, वो पोयम जिसका नाम है रिबेल। रिबेल का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे द रिबेल। रिबेल मतलब वो इंसान जो आपको हर चीज में अपोज करता हो या आपका विरोधी हो, जिस चीज के आप फेवर में हो वो हमेशा उसके अपोज में बोलता हो, इस इंसान को ही बोलते हैं रिबेल। तो ये पोयम उन रिबेल को मतलब की गई है या दी गई है कह सकते हैं, उनके नाम पर लिखी गई है। तो हम देखते हैं किस तरह से इस पोयम में डिस्क्रिप्शन दिया है रिबेल का। क्या आप जानते हैं किसी को ऐसे जो ऑलवेज डिसएग्री करता हो उस चीज को जो आप एग्री करते हो, या जिस चीज के लिए आप या आपके फ्रेंड्स एग्री करते हो, ऐसे किसी इंसान को जो हमेशा डिसएग्री करता हो उस चीज को, या फिर हमेशा उसके आप जिस चीज के फेवर में बात कर रहे हैं वो हमेशा उसके अपोजिट में बात करता हो। आप इस तरह के वर्ड को हमें सोचना है, डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे ऐसे पर्सन को जो हमेशा आपके अपोज में जाता हो। तो आप अपने पार्टनर के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि जनरली ऐसा कब होता है या किस समय पे ऐसा होता है जब इंसान जो है आपको अपोज कर रहा है, कहाँ पर आपने इस चीज को नोटिस किया है। तो इस पोयम में राइटर ने लिखा है क्योंकि उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, और इसीलिए ये रिबेल की पोयम जो है वो उन्होंने यहाँ लिखी है, जो बिल्कुल रियलिटी है। शुरुआत करते हैं। व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर, जब सभी के बाल छोटे हैं तो रिबेल क्या करेगा, अपने हेयर को ग्रो करेगा। मतलब रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, वो लंबे बाल रखेगा। अगर सभी के बाल जो है वो छोटे हैं बड़े हैं तो रिबेल क्या करेगा, अपने हेयर उसको कट करवा लेगा या छोटे बना लेगा। जब एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई सब लोग मिलकर अगर किसी चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो रिबेल कुछ भी नहीं कहेगा, या नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, कोई भी चीज उसके मुंह से नहीं निकलेगी। और जब सभी लोग शांत है या कोई भी बात नहीं कर रहे हैं किसी लेसन के बारे में या किसी टॉपिक पर, तो रिबेल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। जब सभी लोग जो है वो यूनिफॉर्म में होंगे तो रिबेल को आप देखेंगे वो फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहन कर आएगा, और जब सभी लोग फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहने होंगे तो रिबेल को आप देखेंगे कि एकदम सोबरली पहन के आया होगा ड्रेस, या सोबर ड्रेसअप किया होगा इस तरह से। जब कंपनी जो है लोगों की डॉग लवर्स जो होते हैं, और इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स मतलब जो लोग डॉग लवर्स है जिन्हें कुत्ते पसंद है, उन लोगों की कंपनी में रिबेल हमेशा एक्सप्रेस करेगा कि कैट को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कैट को ज्यादा पसंद करते हैं। और वहीं अगर कैट लवर्स की कंपनी में अगर वो रिबेल आ जाए तो वो गुड वर्ड्स कहेगा डॉग के बारे में, मतलब वो कैट को प्रेफर नहीं करेगा। इस तरह से मतलब यहाँ बताया गया कि हमेशा आपके अपोज की बात करेगा, या आपकी एग्री जिस बात पे आप हैं उसे डिसएग्री करने की काम यहाँ पर रिबेल करता है। आगे हमें दिया है, जब सब लोग प्रेज करते हैं सन को या बता रहे हैं कि हाँ सूर्य निकल आया है, कितना अच्छा लग रहा है धूप में एंड ऑल, तो यहाँ पर रिबेल जो है वो रिमार्क करेगा कि यहाँ पर जरूरत है हमें रेन की। और जब आप ग्रीट करेंगे कि वाओ रेन आ गई है, कितना अच्छा लग रहा है, तो रिबेल जो है वो एब्सेंस जो है सन का वो बताना चाहेगा कि यार सन नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से। जब सभी लोग जो है मीटिंग में जाएंगे तो रिबेल आप देखेंगे कि अपने घर बैठा होगा और बुक रीड कर रहा होगा। वेल, जब सब लोग घर में होंगे और बुक रीड कर रहे होंगे तो रिबेल जो है मीटिंग में जाएगा। उसी तरह से जब सभी लोग कहते हैं यस प्लीज या किसी चीज के लिए हाँ कहना है, तब रिबेल कहता है कि नहीं या नो थैंक यू। जब सभी लोग कहते हैं नो थैंक यू तो रिबेल कहता है यस प्लीज। और ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर राइटर ने लिखी कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रिबेल्स हैं, या सभी की लाइफ में कोई ना कोई रिबेल जरूर होता है, आपको अपोज करने वाला है, आपके फेवर में बात ना करने वाले लोग होते ही हैं सभी की लाइफ में, मोस्टली तो होते ही हैं। और यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, और हम जानते हैं ये बात भी, ये भी हमें अच्छा नहीं लगता, या हमें इनमें से कोई लोग जो है वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते जो आपको अपोज करते हो या आपकी चीज को डिसएग्री करते हो। तो इस तरह से डीजे एंड राइट ने ये पोयम लिखी है रिबेल के ऊपर, जो बहुत ही अच्छी है, और हम कह सकते हैं कि ये रियलिटी बेस्ड पोयम है क्योंकि ये रियलिटी है। होप कि आप लोगों में से किसी न किसी के लाइफ में तो रिबेल जरूर होगा, और डेफिनेटली ये पोयम्स में जो पॉइंट्स दिए हैं वो डेफिनेटली उन रिबेल के साथ में जरूर मैच होते होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये पोयम को हमने यहाँ कंप्लीट किया है। अगली पोयम के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।